हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि बहादुर की तलाश करो जो क्षमा कर सकता हो। अगर आप अंगारे किसी पर फेंकते हैं तो पहले आपके हाथ जलते हैं, तो कौन समझदार व्यक्ति अपने हाथ जलाएगा? यदि हम लोग किसी के द्वारा किए गए गलत व्यवहार को अपने अंदर रखकर चल रहे हैं तो उससे हम अपना ही नुकसान करते हैं। अगर आप किसी पर जहर थूकते हैं तो आप प्रथम स्वयं को ही मारते हैं। हम प्यार के मतलब को समझें। प्यार का मतलब होता है कि आप हृदय से दूसरों को क्षमा कर सकें, अपने आने वाले कल का सृजन करने के लिए रात को सोने से पहले लोगों को क्षमा करें और स्वयं के लिए भी परमात्मा से क्षमा याचना करें कि दिन में यदि भूलवश अज्ञानता के कारण मुझसे किसी का मन वचन कर्म से किसी का दिल दुख गया हो तो प्रभु मुझे माफ करना। जब हम अपने प्रति अन्याय करने वालों को क्षमा करते हैं तो हमारे और उसके बीच में जो दूरी है वो मिटने लगती है। परिणाम में हमारे अंदर स्नेह पैदा होने लगता है। किसी के द्वारा किए गए दोषों के दोष को सहन करते हुए उसके बदले उसके प्रति सद्भावना सद्व्यवहार करने से उस व्यक्ति में भी हम स्नेह के बीज की प्रबल संभावना को जन्म देते हैं। मार्क ट्वेन ने लिखा है कि माफी उस खुशबू के समान है जो बनफसी का फूल उस पैर को देता है जिसने उसे कुचला था। यदि कोई महान आचरण है तो क्षमादान है। यह एक बेहतर तरीका है जो हमारे जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाता है। हर समय उस व्यक्ति के बारे में सोचना जिसने आपके प्रति कोई बुराई की है, हम अपना महानतम समय खोते हैं। हम उस समय में उन लोगों के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्होंने हमारी मदद की है, अथवा उन लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, उनके साथ हम कनेक्शन बना सकते हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। जीवन में प्रकृति के द्वारा प्राप्त अनेकों नियामतों के लिए हम कृतज्ञता से भर सकते हैं उस समय में। क्या हम सब अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों को अपने कायाकल्प एवं उज्जवल भविष्य की राह में रोड़ा बनने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं? कभी नहीं। हर चीज में उपहारों की तलाश करने का प्रयास करें, खास तौर पर जब आप नकारात्मक दिखने वाली स्थिति का सामना कर रहे हैं। किसी को क्षमा करते ही आप अपने को बहुत ही हल्का महसूस करेंगे। क्षमा करें और अपने जीवन को हल्का रखें। आपने देखा होगा कि पक्षी जब आकाश में उड़ते हैं तो वे अपने अंदर थोड़ी भी बीट अगर होती है तो वे उसे बाहर निकाल देते हैं, जिससे कि वे और हल्के होकर आकाश में उड़ सकें। क्षमादान हमेशा आपके नियंत्रण में है। आकर्षण का नियम प्रेम का नियम भी कहा जाता है। क्षमा करें और प्रेम बांटें, प्रेम महसूस करें। क्षमाशीलता उस यूनिवर्स का, उस अनंत का, उस परमात्मा का स्वभाव है। उस अनंत परमात्मा से अपने को जोड़ने के लिए क्षमाशील होना अनिवार्य है। क्षमा मांगने तथा करने में ही हमारा चित्त शुद्ध होता है और अहंकार गलित होता है। यूनिवर्स आपके विरोध में कभी नहीं रहता। ये वह हमेशा आपको क्षमा करता है। वह हमेशा आपको सेहत, स्फूर्ति, सद्भाव, शांति, आनंद, प्रेम देता रहता है। बस आप प्रकृति के साथ सामंजस्य में सोचकर सहयोग करें। नकारात्मकता, कटुता की भावना, किसी के प्रति गलत भावना रखना जीवन सिद्धांत के मुक्त प्रवाह को रोक देती है। भावनाएं विचारों का अनुसरण करती हैं और हम सब में उन सभी विचारों को अस्वीकृत करने की शक्ति है जो आपको विचलित या परेशान कर सकते हैं। दूसरों को क्षमा करना मानसिक शांति और अच्छी सेहत के लिए अनिवार्य है। आप खुद को तब तक पूरी तरह क्षमा नहीं कर सकते हैं जब तक कि दूसरों को आप क्षमा ना कर दें। आज की मानसिक
व शारीरिक चिकित्सा में इस बात पर लगातार जोर दिया जा रहा है कि नफरत, दूसरों की आलोचना, दूसरों के प्रति शत्रुता का भाव कई रोगों को जन्म देने का कारण बनता है। प्रेम का मतलब है, प्रेम का वास्तविक अर्थ आप सामने वाले के लिए सेहत, खुशी, शांति, सुख और जीवन की सभी नियामतों की कामना करें, वह वापस आपके पास आएगी। क्योंकि जैसा आप सोचते हैं और महसूस करते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। धन्यवाद।